झारखंड में चुनावी रणभेरी बजने वाली है और उसे लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार होने को है अब। और इसे लेकर हेमंत सोरेन राहुल गांधी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले और उन्होंने अपनी बात रख दी है। उन्होंने कह दिया है कि जल्द से जल्द आने वाले एक हफ्ते के अंदर सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाना चाहिए और इस बात को उन्होंने काफी मजबूती के साथ रखा है। और कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें हेमंत सोरेन को आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन एक पेच जो फंस रहा है, हम आपको बता दें कि पिछली बार जेएमएम 41 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस 31 सीटों पर लड़ी थी और आरजेडी को 7 सीटें दी गई थी। लेकिन इस बार सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि जेएमएम कम से कम 4 से 5 ज्यादा सीटें चाहती है। जेएमएम चाहती है कि वो 45 से 46 सीटों पर लड़ेगी और उसकी कोशिश है। जेएमएम ने यह साफ संकेत दे दिया है कि कांग्रेस को सिर्फ 25 से 26 सीटें देना चाहती है, यानी जो 19 सिटिंग सीटें हैं कांग्रेस की, उसके अलावा 5 या 6 सीटें अतिरिक्त देना चाहती है। और इसके साथ साथ आरजेडी को जो 7 सीटें दी गई थी उनकी जगह 5 सीटें और उसके साथ साथ वाम दलों को भी 5 सीटें देने की तैयारी है, जिनमें राजधनवार, निरसा और एक बगोदर का नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी और हमारे साथ मदन है, उनसे बातचीत करेंगे। मदन, जिस तरह से ये जानकारी सामने आ रही है कि देखिए दोनों के बीच एक राउंड कहा जा सकता है कि तीखे बयानों का सिलसिला चल चुका है। कांग्रेस ने यह कह दिया था कि वो ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और ज्यादा सीटों पर जीतेगी तो सीएम उनका होगा, जिस पर जेएमएम ने उन्हें एक तरह से कहा जा सकता है कि काफी तीखे शब्दों में कहा था कि हेमंत सोरेन का नेतृत्व स्वीकार होगा तभी आगे बात होगी। मदन, अभी क्या कुछ लग रहा है, क्या इस फॉर्मूले पर कांग्रेस आसानी से तैयार होगी? जेएमएम जो चाह रही है कि 25 से 26 सीटें कांग्रेस को दी जाए, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले बार आप 2019 के चुनाव को देखें तो कोई भी जो संख्या होता है वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ऐसे में कांग्रेस की दावेदारी अब 31 नहीं बल्कि 33 सीटों पर है और कांग्रेस ये कभी नहीं मानेगी कि भाई हम 5 सीट कम कर लें। जैसे जेएमएम ने अपनी दावेदारी बढ़ाई है तो कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी बढ़ाई है। अब देखिए, ये है कि सरकार में दोनों 5 साल तक साथ रहे, दोनों के जो अपने अपने चुनावी वादे थे वो आखिरी वक्त तक पूरा करने की कोशिश की। तो जब सरकार ने अपने कार्यकाल पूरे किए और कुशलता के साथ दोनों एक साथ रहे, तो ऐसे में प्रेशर जो है वो जरूर दोनों पर है कि अपने सहयोगी दल के साथ ही मिलकर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। अगर आप देखें तो 2 गठबंधन ही सामने हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए। तो एनडीए के फोल्डर में बीजेपी, आजसू और जेडीयू और मान लीजिए एलजेपी आता है, लेकिन दूसरी तरफ वाम दल, आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस, तो ये आपस में एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ भी वही फॉर्मूला है कि जिस तरह से आजसू और बीजेपी साथ मिलकर अपने बीच संवाद स्थापित कर एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी तरह इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस और जेएमएम जो है दोनों आपस में मिलकर भले ही 1 सीट 2 सीट आगे पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन साथ ही जाना है। शुरुआत के दौर में जरूर है कि अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जी देने के लिए प्रभारी ने ये कहा कि भाई हम अगर हमारे सीट बढ़ जाए, आप 25 सीट जीत कर आए तो रोटेशनल सीएम होगा। तो ये जरूर है कि कांग्रेस ये चाहती है कि अगर संख्या बढ़े तो एक प्रेशर जो है बिल्ड किया जा सकता है। और गठबंधन में ये कई बार देखा भी गया है कि जब बराबरी के तौर पर आ जाएंगे तो आप डिमांड कर सकते हैं कि अब जो है एक बार आपने सीएम का कार्यकाल पूरा किया तो अब मेरे पार्टी से भी सीएम का कार्यकाल पूरा किया जाए। तो अब जो दिल्ली में कल राहुल गांधी के साथ और खड़गे के साथ जो उनके आवास पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बातचीत हुई है, तो फिलहाल उससे जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है तो कांग्रेस ने सीधे सीधे 33 सीटों का डिमांड किया है। वाम दल को भी साथ लेकर चलना है, आरजेडी को भी सीट देने हैं और जेएमएम भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। तो ये जरूर है कि चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के वक्त जो है अधिक आंकड़े रखे जाते हैं, डिमांड रखे जाते हैं, लेकिन उसी टेबल पर बैठकर जब फाइनल बातचीत होती है तब अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने ज़मीन पर मेहनत है, जो ताकत है, वो आकलन किए जाते हैं और फाइनल राउंड टेबल जब बैठक होती है
तब जाकर के यह क्लियर होता है कि आखिर मजबूत हम हैं यहाँ, मेरे दावे उम्मीदवार हैं, संगठन मेरे यहाँ मजबूत है और इतने सीटों पर जो है फॉर्मूला तय किया जाए। तो राकेश जी देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि जेएमएम कांग्रेस चलियो बात बन जाएगी, लेकिन वाम दलों को 5 सीटें देने की बात सामने आ रही है, वहाँ भी बात बन जा सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा चूंकि वाम दल अब संयुक्त हो गए हैं तो बहुत ज्यादा जीत नहीं होगी, लेकिन आरजेडी को 5 सीटों पर समेटना आसान नहीं होगा और आरजेडी के इरादे इस बार उस तरह से नेक नहीं लग रहे, वो इतनी कम सीटों पर मान जाएगा ऐसा नहीं लग रहा। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि आरजेडी मान जाएगा इतना आसान नहीं है, और मुझे लगता है कि यहाँ हमें एक चीज और समझना होगा कि ये पूरा वामदल नहीं होगा, ये सिर्फ CPI-ML की बात होगी और CPI-ML का MCC जो है उसमें मर्ज किया है तो इसीलिए CPI-ML का दायरा बढ़ा है। अगर आप CPI-CPI-M की बात कर लें तो वो मुझे नहीं लगता कि इस गठबंधन में झारखंड में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि अगर वो गठबंधन में शामिल होंगे तो फिर वाम दल को और सीटें चाहिए होंगी, क्योंकि जो 4 से 5 सीटों की आप बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ CPI-ML को चाहिए। देखिए बहुत साफ है, बगोदर से विनोद सिंह खुद लड़ते हैं तो वो सीट CPI-ML को चाहिए, इसके अलावा धनबाद से राजकुमार यादव, फिर आप निरसा चले जाइए तो वहाँ से अरूप चटर्जी, और एक जो सीट है वो सिंदरी की सीट है जहाँ से आनंद महतो चुनाव लड़ते रहे हैं, और ये भी बड़ी अजीब विडंबना है कि आनंद महतो झारखंड बनने से पहले कभी चुनाव हारे नहीं और झारखंड बनने के बाद कभी चुनाव जीते नहीं, हमेशा दूसरे नंबर पर रहे, मुख्य मुकाबले में रहे, तो हालांकि उन्होंने जो है चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है तो इस बार उम्मीद है कि उनके बेटे को टिकट मिल सकता है, बबलू मेहता को टिकट दिया जा सकता है। तो कम से कम ये 4 सीट आप मानकर चलिए कि CPI-ML को चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा 1-2 सीटों पर उसकी डिमांड होगी। जहां तक आरजेडी की बात है, पिछली बार उसे 7 सीटें दी गई थी, और अगर आप देखें कि जो आरजेडी का कहना है कि पिछले बार उसने बहुत सेक्रीफाइसेस कर लिए, इस बार वो करने के मूड में वो बिल्कुल नहीं है और वो ज़्यादा सीटें मांग रहा है, और जिसमें कि वो छतरपुर की सीट चाहता है, विश्रामपुर की सीट चाहता है, लेकिन परेशानी ये हो रही है कि JMM के कुछ सीट फंस रहे हैं। अगर आप इस तरह से देखें कि जब धनवार की बात आती है जो CPI-ML के पास जा सकता है, तो उस सीट पर पिछली बार JMM का कैंडिडेट था जो 6ठी पोजीशन पर था, तो इस लिहाज से JMM के लिए 1 सीट वहां पर कम हो जा रहा है। सिंदरी की हम बात करते हैं तो वहां 3रे नंबर पर फूलचंद मंडल रहे थे, वो भी जो है आपको JMM के कैंडिडेट थे तो फिर 1 सीट वहां से कम हो जा रहा है। निरसा में आप जाइए तो 1 सीट वहां से कम हो जा रहा है। मांडू की बात करते हैं तो वहां से भी JMM के कैंडिडेट थे तो 1 सीट वहां पर उनका कम हो सकता है, और फिर आप पौरैया हट जाते हैं जहां प्रदीप यादव विधायक हैं तो वहां पर भी जो अशोक कुमार हैं JMM के कैंडिडेट, वो पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो 1 कैंडिडेट वहां से भी कम हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 5 से 6 सीटें जो है वो JMM को गठबंधन के तहत हो सकता है कि छोड़ना पड़े। तो क्या जो 43 सीटों पर गठबंधन में पिछली बार लड़ा था JMM, क्या वो 37 सीटों पर मान जाएगा? लगता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि JMM का इरादा है कि चूंकि उसने सरकार चलाई है तो वो 45 प्लस की ही बात कर रहा है, तो उसकी नजर कहां कहां जा सकती है। तो देखिए अगर हम विश्रामपुर की बात करें तो वहां पर कांग्रेस जो है वो 4थी पोजीशन पर रहा था और कांग्रेस को वहां सिर्फ 10,895 वोट आए थे, तो वो एक सीट है जहां पर JMM जो है नजर लगा कर रखा है। और एक भवनाथपुर की सीट है, वहां पर भी कांग्रेस जो है वो 4थी पोजीशन पर था और वहां पर मत प्रतिशत भी उसका बहुत ही कम था, सिंगल डिजिट में था। तो ये तो मानकर चलिए कि भवनाथपुर सीट जो कांग्रेस की थी वो JMM को जाने वाली है, क्योंकि अनंत प्रताप देव जो कि पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे उन्होंने JMM ज्वाइन कर लिया है, और मुझे लगता है कि
वहां से अनंत प्रताप देव जेएमएम के टिकट पर चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार भवनाथपुर में सिर्फ 4.26% वोट आए थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक सीट कांग्रेस का वहां से कम हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि बगोदर की सीट भी कांग्रेस के हाथ से जाएगी, क्योंकि वो सीपीआईएमएल को जाना है, तो माले वहां पर आ जाएगा। तो जब दो सीट यहां पर कांग्रेस का कम हो रहा है तो वो 33 से फिर वापस जो है वो 31 पर पहुंच जाता है। 31 पर पिछली बार लड़ा था मांडू और पौरैया हाट, इस बार वो मांग रहा है, तो जब वो दो सीट कम हुआ तो वापस से कांग्रेस जो है वो 31 पर जो है वो पहुंच रहा है। इसके अलावा सिमरिया सीट पर भी कांग्रेस जो है वो चौथी पोजीशन पर रहा था, और जमशेदपुर पूर्वी में जो है वो तीसरी पोजीशन पर था, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीट जो है कांग्रेस को मिल जाएगी। लेकिन बाकी कुछ और सीटें हैं जिन पर की जेएमएम की नज़र होगी। दूसरी तरफ आरजेडी की भी अगर आप बात करें तो देखिए हुसैनाबाद सीट उसके लिए जो है वहाँ से वो हमेशा जो है वो लड़ता रहा है, लेकिन इस बार हुसैनाबाद सीट पर भी जेएमएम की नजर है, तो अब क्या वहां पर जेएमएम चुनाव लड़ता है या आरजेडी, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा बरकट्ठा की सीट है जहां पर आरजेडी का कैंडिडेट पिछली बार था और वहां पर खालिद जो है वो चुनाव लड़े थे, लेकिन वो सातवें पोजीशन पर थे, और इस बार बरकट्ठा में एक दिलचस्प सीन बन रहा है कि जो जानकी प्रसाद यादव थे जो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो कल्पना सोरेन की उपस्थिति में जेएमएम में शामिल हुए हैं, और इधर से बीजेपी से अमित कुमार यादव हैं। तो अब अगर जानकी कुमार प्रसाद यादव अगर जेएमएम में शामिल हुए हैं तो वो चुनाव तो लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि बरकट्ठा सीट जो है वो आरजेडी से ले ली जाएगी। तो आरजेडी की कुछ सीटें भी दांव पर है, जैसा आप कह रहे हैं 5 सीटें, तो अगर हुसैनाबाद और बरकट्ठा गया तो वो वापस 5 पर आ जाएंगे, लेकिन आरजेडी की डिमांड ज्यादा की है, और आरजेडी कांग्रेस की जो एक सीट है मनिका की सीट जो है उस पर चुनाव लड़ने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार है, और वो वहां पर जो है वो डिमांड कर रहा है गठबंधन में कि वो सीट जो है उसे दी जाए। तो एक दिलचस्प इस तरह गढ़वा सीट पर गिरिनाथ जी आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं, वो दावा ठोक रहे हैं, तो ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस के सामने ये भी एक मुश्किल आ रही है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेएमएम किसी भी हालत में, चूंकि मिथिलेश ठाकुर मंत्री हैं, उनकी सीट के साथ कोई समझौता करने जा रहा है और वो आरजेडी को वो सीट देगा, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखती है। अब ये बात अलग है कि वहां से गिरिनाथ सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं या कोई और बात हो, लेकिन गठबंधन अगर होता है और उस गठबंधन में आरजेडी भी रहता है तो मुझे नहीं लगता कि गढ़वा सीट जो है वो मिथिलेश ठाकुर से लेकर आरजेडी को दिया जाएगा, संभव ही नहीं है। अच्छा मदन, एक बात बताइए, देखिए अभी जीए मीर और भूपेश बघेल आए थे, कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ बैठे थे, बड़ा दावा किया गया था, लगभग 35-40 सीटों पर लड़ने की बातें कही गई थी। उसके बाद जेएमएम संगठन की तरफ से सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह संदेश दिया था कि हेमंत सोरेन का नेतृत्व मंजूर होगा तभी आगे बात होगी। अब देखिए हेमंत सोरेन सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात रखते हैं, यानी ये संदेश साफ है कि हम सीधे आपके आलाकमान से बात कर रहे हैं और अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। मदन, इसे किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए उसी दिन कांग्रेस के जो और वरिष्ठ नेता हैं, जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसका एक तरह से सफाई के तौर पर कहें या फिर अपनी बात रखा कि जो जीए मीर प्रभारी हैं झारखंड कांग्रेस के, उन्होंने जो बात कही है वो अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं से कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि रोटेशनल सीएम की बात हो। हाँ, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर आते हैं तो फिर हम अपनी बात रखेंगे। तो ये स्वाभाविक है, अपने संगठन को और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लोग अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की बातें जो है कहते हैं। लेकिन मदन, जब कार्यकर्ताओं को अब ये बात पता चल गया होगा कि ये बातें हमारे उत्साह वर्धन के लिए कही गई थी, तो उन्हें कैसा लग रहा होगा? बिल्कुल है कि अब कार्यकर्ता जो है वो समझते हैं कि यहाँ संभव नहीं है कि कांग्रेस और जेएमएम अगर साथ हो तो हेमंत सोरेन के बगैर जो है जेएमएम कांग्रेस से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो, क्योंकि ये से पहले तय है या तो हेमंत सोरेन या तो अब तो कल्पना सोरेन,
अब तो ऐसा भी माना जाए कि अगर हेमंत सोरेन नहीं है तो फिर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएंगी। बेहतर होता है कि जीएमएल इस तरह का बयान नहीं ही देते गठबंधन के लिहाज से। बिल्कुल, अभी जिस तरह के माहौल हैं, जिस तरह से परिस्थितियां बनी है, ऐसे में इस तरह के बयान जो है जरूर कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मौका देता है घेरने के लिए कि आपस में ही एक मत नहीं है, सरकार जैसे ही कार्यकाल पूरा कर रहा है तो एक दूसरे को आंख दिखाने। और शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन अब जीएम मीर से बात नहीं करके सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। लेकिन जरूर ये इससे पहले भी इस तरह की कोशिश हुई है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधे हेमंत सोरेन मिलने के लिए जाते हैं और इसीलिए जो झारखंड प्रभारी आते हैं तभी उनसे मुलाकात होती है, वो साथ जाते हैं। अगर दिल्ली में मुलाकात की बात होती है तो सीधे तौर पर सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मुलाकात होती है। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही बातचीत हो रही थी तो उस वक्त जो है जरूर उनको भी वहाँ मौजूद रहना चाहिए, लेकिन वो तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। गुलाम मीर अहमद जो है वो वहाँ नहीं थे मौजूद, सिर्फ सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो है, यही चार लोग होते हैं और बातचीत जो है होती है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात होती है, तमाम विषयों पर बातचीत होती है, जो हरियाणा के परिणाम हैं उस पर भी चर्चा होती है, लेकिन आगे किस तरह से झारखंड को जीता जाए इस पर अधिक से अधिक बातचीत हुई है। तो जरूर है कि गठबंधन के नेता जो है अपने शीर्ष नेताओं से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। चलिए अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फॉर्मूला निकल कर सामने आता है। और हेमंत सोरेन ने जो अपनी बात रखी है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कि एक हफ्ते में सीटों का बंटवारा कर लिया जाए, क्योंकि पिछली बार यूपीए की तरफ से सीट की घोषणा करने में देर हुई थी और माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उठाना पड़ा था, तो इस बार महागठबंधन की कोशिश है कि सीटों का बंटवारा पहले कर लिया जाए और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी पहले कर ली जाए। तो इंतज़ार इस बात का है कि आगे क्या कुछ होता है।